पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल सूबे का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल और कॉलेज है, लेकिन लगातार इसकी स्थिति बिगड़ती गई। नई तकनीक के मामले में काफी पिछड़ गया। इसकी स्थापना दिवस के मौके पर देश विदेश के पूर्व छात्र सहित शिक्षक भी जुटे, लेकिन कितने लाचार हैं बिहार के मुख्यमंत्री, ये देखिए। वो जमाना कुछ और था, अब आज टेक्नोलॉजी का इतना विकास हो चुका है कि अगर उसके साथ कदम में कदम मिलाकर नहीं चलेंगे तो स्वाभाविक तौर पर पीछे छूट जाएंगे, और यही हुआ है। क्योंकि मेडिकल कॉलेज चलाने की जिम्मेवारी सरकार की है और सरकार में इतनी तेजी से निर्णय नहीं हो पाते, यह हकीकत है। मुख्यमंत्री ने पीएमसीएच की ऑटोनॉमी के लिए बैठक करने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऑटोनॉमी से कई समस्याओं का समाधान एक साथ हो सकेगा। पहले लोगों को डर लगता था कि आज इक्विपमेंट खरीदेंगे कल विजिलेंस की जांच होगी, हाँ ये भी हमने देखा। अब उसके चलते डॉक्टर लोगों की परचेज कमेटी बनाई जाती है तो कोई ना कोई बहाना बनाकर कमेटी की मीटिंग में नहीं जाते, लंबित रहता है। असेंबली में सवाल उठते हैं, बाहर सवाल उठते हैं, लेकिन ये जो कठिनाइयां है इसका निदान अगर ऑटोनॉमी में है तो मुझे बेहद। फाउंडेशन डे के मौके पर स्मारिका का विमोचन हुआ और कई मेघावी छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कई तरह की मजबूरियों का जिक्र किया और कहा कि इस ऑटोनॉमी मिलने से पीएमसीएच को बड़ी राहत मिलेगी। सारे हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल मैनेजर भी मिल गया, उसका मैनेजमेंट भी प्रबंधन भी बढ़िया से चले उसके लिए व्यवस्था किया है, लेकिन कुछ भीड़ के कारण और कुछ स्थान नहीं रहने के कारण ये बराबर फेस करना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा कहा जाए सोच समझ करके आज जो बातें कही है उपयुक्त होगा, और न केवल पटना मेडिकल कॉलेज के लिए बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज को इससे राहत। स्वास्थ्य का मामला बड़ा मामला है, ये राज्य का विषय भी है, लेकिन जिस तरह से सूबे के मुख्यमंत्री ही लाचार दिखते हैं उससे अजीब तस्वीर उभरती है। साफ है कि सरकार के यहाँ बाबुओं की दादागिरी का खात्मा अभी तक नहीं हो पाया है। पीएमसीएच की ऑटोनॉमी से स्थितियाँ सुधरेंगी या बिगड़ेंगी ये सरकार की भावी नीति से ही स्पष्ट हो सकेगा। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ प्रणय प्रियमवत, आर्यन न्यूज पटना।